हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जिया और आज का हमारा टॉपिक है बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। ये जो कैबिनेट्स होते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ होते हैं, क्योंकि हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी लैब में हर तरीके का सैंपल आता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एयर है उसके अंदर भी बहुत तरीके का कंटेमिनेशन होता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो सोल्स होते हैं वो हमारे सैंपल को कंटेमिनेट ना करें, हमारे रिजल्ट में कोई एरर ना आए या फिर जितने भी पर्सन लैब के अंदर वर्क कर रहे हैं उनकी हेल्थ इशू ना आए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बायोसेफ्टी कैबिनेट्स को यूज़ किया जाता है। सो बायोसेफ्टी कैबिनेट इज़ अ बॉक्स और क्लोज्ड चैम्बर टाइप कैबिनेट दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू ऑपरेटर स्टाफ एंड एनवायरमेंट। सो बायोसेफ्टी कैबिनेट क्या है कि ये एक बॉक्स की तरह होता है या फिर एक क्लोज्ड चैम्बर है या फिर एक कैबिनेट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्सपोजर को रिड्यूस करता है एंड बचाता है, ऑपरेट करता है, स्टाफ को बचाता है एंड द एनवायरनमेंट ऑल्सो। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये जो बायो कैबिनेट है ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोसेस द इन्फेक्शियस सैंपल। ये जो बायो कैबिनेट्स होता है ये इन्फेक्शियस सैंपल्स को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू रिड्यूस रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो इन्फेक्शन सैंपल से जो रिस्क इंक्रीज हो जाता है इन्फेक्शन स्प्रेड होने का, उस चीज़ को प्रिवेंट करता है, इसीलिए बायोसेफ्टी कैबिनेट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल टीबी और कोविड का सैंपल अगर लगा रहे हों टेक्नीशियन तो उनको चांसेस होते हैं कि उनको भी वो डिजीज़ हो सकती है, तो उस चीज़ से उसको प्रिवेंट करता है। उसके बाद नोट्स देखिए, स्पेशल नोट्स है यहाँ पर। ये जो बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है ये एक सेपरेट रूम में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? टू रिड्यूस कंटेमिनेशन, ठीक है, कंटेमिनेशन रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद हुड और स्टील बॉक्स होता है, ये अगेन रिड्यूस कंटेमिनेशन के लिए होता है। ये जो कैबिनेट होता है ये वेंटिलेटेड कैबिनेट होता है ताकि एक्सपोजर रिड्यूस हो सके। एंड देन उसके बाद इसके अंदर हैपा फिल्टर लगा होता है। हैपा फिल्टर की फुल फॉर्म क्या है? हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट अरेस्ट। मतलब क्या है? जो माइक्रोब्स होते हैं उसको हाई एफिशिएंसी पे पकड़ते हैं। अरेस्ट का मतलब होता है पकड़ना। का फिल्टर किस लिए यूज़ किया जाता है? ये रिड्यूस करता है एक्सपोजर ऑफ एनवायरनमेंट, जो एरोसोल्स होते हैं, जो पोल्यूटेड एयर होती है उसका एक्सपोजर रिड्यूस करता है। उसके बाद है ये जो टाइप ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, बायोसेफ्टी कैबिनेट 1, 2 एंड 3। बायोसेफ्टी कैबिनेट 1 देखिए इसमें क्या करता है, प्रोवाइड गुड ऑपरेटर प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है उसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से होती है, बट नॉट प्रोटेक्ट मटीरियल प्रोडक्ट विद इन द कैबिनेट। लेकिन जो मटेरियल और प्रोडक्ट कैबिनेट के अंदर है वो प्रोटेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे कि मानिए ये हमारे पास बायोसेफ्टी कैबिनेट का एक छोटा सा डायग्राम है। इसमें क्या है, देखिए ये जो रेड कलर के है ये हैपा फिल्टर है और यहाँ पर टेक्नीशियन काम करेगा, ऑपरेटर जो होगा वो यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर उसका डेस्क होगा। तो क्या होगा, यहाँ से एयर जा रही है, ठीक है, और वो एयर जो है वो हैपा फिल्टर वैक्यूम के जरिए ऊपर की तरफ खींचेगा और वहां से वो फिल्टर होकर सीधा बाहर जाएगी। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि जब ये एयर सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे हम सैंपल पे वर्क कर रहे हैं, तो वो जो एयर यहाँ पे आई उसने सीधा सैंपल को कंटेमिनेट किया, तो वो ये सीधा बाहर गई और वैक्यूम के जरिए ऊपर गई और वहां से सीधा कैबिनेट से बाहर गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, तो ये ऑपरेटर के लिए तो बेस्ट है, लेकिन जितने भी सैंपल्स को हम इसके अंदर ऑपरेट करते हैं वो सब सभी कंटेमिनेशन से प्रिवेंट नहीं हो पाते हैं। सो नाउ हेयर इज अ बायोसेफ्टी कैबिनेट 2। इसमें क्या होता है, रिड्यूस क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन को ये रिड्यूस करता है और इसके सब टाइप होते हैं A1, A2, B1, B2। ये जो डायग्राम है ये बायोसेफ्टी कैबिनेट 2 का है। इसमें क्या होता है, देखिए क्रॉस कंटेमिनेशन कैसे बोल रहा है, रिड्यूस होता है कि यहाँ से कंटेमिनेटेड एयर होगी और यहीं से यहाँ पे अब्सॉर्ब कर ली जाएगी। अब्सॉर्ब करने के बाद ये जो एयर है ये सर्कुलेट होगी ऊपर की तरफ, फिल्टर उसको वैक्यूम की तरफ से खींचेगा और वो जो एयर है यहाँ पे फिल्टर के जरिए क्या होगी, प्योरीफाई होगी और कुछ एयर बाहर निकल जाएगी और कुछ एयर वापस से रिसर्कुलेट हो जाएगी, सो दैट ये प्रोडक्ट जो होगा, अंदर जो प्रोडक्ट होगा उसको भी डिकंटेमिनेट करेगी। इस तरीके से ये क्रॉस कंटेमिनेशन से प्रिवेंट करती है। उसके बाद इसके 4 सब टाइप भी होते हैं, A1 कैबिनेट A2 B1 B2। जो A1 होता है उसमें क्या होता है, 30% जो होती है एयर होती है वो आउट होती है, मतलब कि ये जो एयर जो जा रही है इसमें से जो ऊपर की तरफ एयर बाहर निकल रही है वो 30% होगी और जो 70% है वो रिसर्कुलेट होगी, ये जो वापस एयर आ रही है ये 70% हो जाएगी। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, जो हैपा फिल्टर है वो टेस्टिंग होगा, नो लीकेज होगा। देन B1 जो होता है उसके अंदर 70 आउट होती है, 30 सर्कुलेट होती है। एंड देन B2 जो होता है उसमें टोटल आउट 100%, जितनी भी एयर होती है वो सारी की सारी आउट हो जाती है। तो ये था बायोसेफ्टी कैबिनेट 2।
नाउ हियर इज अ बायोसेफ्टी कैबिनेट 3। इसमें क्या होता है, ये टोटली इनक्लोज सिस्टम होता है। जो बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है वो टोटली इनक्लोज होता है। जैसे कि इस कैबिनेट में क्या था, यहाँ पर ऑपरेटर काम करेगा बैठ के, तो ये इतना एरिया ओपन रहता है सो दैट वो अपने हैंड्स को अंदर डाले और काम करे, ठीक है। लेकिन बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में ऐसा नहीं होता है, वो टोटली इनक्लोज होता है। उसकी जगह क्या होता है, जो गेट होता है, जो डोर होता है वो ओपन नहीं होता है। उसमें क्या होता है, होल्स फिटेड होते हैं दो, और उसके जरिए अंदर की साइड दो ग्लव्स होते हैं। टेक्नीशियन को उसके अंदर ग्लव्स के अंदर हाथ डाल के अंदर ही स्टेज के अंदर काम करना होता है। तो वो टोटली इनक्लोज सिस्टम होता है। एंड डबल डोर होते हैं इसके अंदर, एक फ्रंट पे होता है और एक साइड पे होता है। जो फ्रंट डोर होता है उसके अंदर दो होल्स होते हैं जो जिसके साथ ग्लव्स कनेक्टेड रहते हैं। और जो डोर साइड डोर होता है वो इसलिए यूज किया जाता है कि जो भी हमें चीज कल्चर या फिर कुछ भी मटेरियल हमें अंदर रखना है स्टेज के अंदर, तो हम जो साइड डोर है उसको ओपन करते हैं और वो चीजें अंदर रख सकते हैं। सो साइड डोर यूज टू पुट द थिंग्स इनसाइड द कैबिनेट। उसके बाद इसके अंदर दो हेपा फिल्टर फिटेड होते हैं फॉर एग्जॉस्ट एंड इंसुलेशन। एग्जॉस्टिंग के लिए भी दो और इंसुलेशन के लिए भी दो होते हैं। इंसुलेशन के लिए क्यों होता है, देखिए हैपा फिल्टर पे इंसुलेशन में क्या होगा, जो हैपा फिल्टर है उसके साथ साथ हीट भी निकलेगी। सो दैट उससे क्या होगा, जितनी भी एयर बाहर जा रही है उसके साथ साथ जितने भी वायरस होंगे बैक्टीरिया होंगे वो साथ के साथ ही किल होते जाएंगे। सो ये इंसुलेशन का इसमें हेल्प हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा था। थैंक यू वेरी मच।